सीबीएसई ने कहा था कि और बच्चों को रिजल्ट्स के लिए परेशान नहीं होना है और उनको इंतजार भी नहीं करना है, वो खुद के स्कोर से बिल्कुल नहीं चाहती कि वो लोग गलत साबित हों। और जो टेंटेटिव डेट्स बताए गए हैं मीडिया को, उसके ठीक सीबीएसई ने हिंट दिया है कि आस पड़ोस में हमारा रिजल्ट 100% कंफर्म होगा। हालांकि एग्जैक्ट डेट तो नहीं, पर यह चीज कंफर्म है कि सीबीएसई नहीं चाहेगी कि मीडिया को झूठ बोला जाए, क्योंकि मीडिया कंप्लीटली स्प्रेड कर देती है न्यूज को और लोग न्यूज जानने के बाद सीबीएसई को गलत ना ठहराए, सीबीएसई कभी नहीं चाहेगी। सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के टर्म वन स्कोर्स जानने, यानी कि जिसे फॉर्म ऑफ रिजल्ट आप लोग कह रहे हैं, उसका हवा फिर से चलने लगा है और कहीं ना कहीं सीबीएसई ने कुछ लीक किया है। विद प्रूफ दिखाऊंगा एंड बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर्स ने भी इसे फॉलो किया है कि आपके रिजल्ट्स के टेंटेटिव डेट्स एंड किस दिन तक आप लोगों को मिलेगा आपके स्कोर्स देखने के लिए। पर उससे पहले आप सबको पता है, पिछले दिन मैंने आप लोगों को दिखाया कि इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने डॉक्टर सनियम भरद्वाज सर से बात किया है आपके स्कोर के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, कि कैसा होगा टर्म वन का स्कोर, क्या बच्चों को अच्छे मार्किंग की गई है। तो उनका जो रिपोर्टिंग्स जो आया था, मैंने तो कल कवर किया था पर कुछ मिस कर दिया, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है एंड लिटरली मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं हैं ऊपर वाले से कि सबके, मतलब हर एक स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने टर्म वन का कंप्लीट एग्जाम दिया है बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12, उन लोगों का रिजल्ट्स बहुत अच्छा हो, उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो। ये मैं चाहता हूं ऊपर वाले से कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो। अगर आप टारगेट करके रखे हो कि अगर आपका 60% आए, तो मैं चाहता हूं आपके 80% आ जाए। ये मेरी ब्लेसिंग्स होगी आप सबके लिए एंड दुआएं भी होंगी, आप सब भी दुआएं करते रहें। चलिए वीडियो में बढ़ जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सनियम भरद्वाज जी ने कहा कि हमारी की हुई गलतियों को हम स्टूडेंट्स को भुगतान भरने नहीं देंगे, हम सबको मार्किंग कर रहे हैं, रादर इसी के बीच कोविड आ गया इसलिए हम लोग स्कोर्स नहीं बता पा रहे हैं। मतलब टर्म वन का आपका सीबीएसई का साफ कहना था पहले कि वो लोग रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं, आपके लिए रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। रिजल्ट उसे बोला जाता है जिसमें पास फेल परसेंटेज होता है, इसमें सिर्फ आपको स्कोर बताया जा रहा है कि आपने कितना स्कोर किया है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको बहुत अच्छी मार्किंग की गई है। मतलब सनियम भरद्वाज सर के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छा मार्किंग किया गया है। मतलब पहले ऐसा सुनने में आया था जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था रॉन्ग क्वेश्चंस को, सीबीएसई के रॉन्ग क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया था उन्हीं को मार्क्स मिलेगा, पर नहीं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उनकी जो मिस्टेक थी उसके मार्क्स सबको दे दिए गए हैं, सबको दिया गया है। और एक बोनस दिया गया है कि जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा, जब दोनों रिजल्ट्स बनाए जाएंगे, वहां पे आपके रिजल्ट्स को मॉडरेट भी किया जाएगा, मतलब परसेंटेज बढ़ाए जाएंगे साथ साथ थोड़े नंबर बढ़ाए जाएंगे। मान लीजिए कि आप थोड़े बहुत परसेंटेज आपके इंक्रीज कर देंगे, आपको कंप्लीट टेंशन नहीं लेना है बिकॉज ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। सीबीएसई ने इस चीज को एग्री किया, नया कॉन्सेप्ट हमें भी समझना मुश्किल था, इसलिए हम स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके रिजल्ट्स का डेट बता रहा हूँ, उससे पहले एक चीज आपको याद रखना है, क्या हुआ है पिछले साल सेम सिचुएशन था, ठीक है, 2021 बोर्ड के स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आया था ऐसे ही हो रहा था, रोज रोज स्ट्रगल हो रहा था, वो लोग बता ही नहीं कि कब क्या आने वाला है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उसके ठीक 4 घंटे पहले, याद रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आया उसके ठीक, मतलब हमें भी नहीं पता था, हम सुबह उठे अचानक से सीबीएसई का ट्वीट देखा और 4 घंटे पहले ट्वीट आया कि आज रिजल्ट आपका आ सकता है, वो भी कौन से समय में ये तक नहीं बताया। और सीबीएसई सेम वही गेम खेल रही है इस बार भी सीबीएसई वही गेम खेल रही है आपके रिजल्ट्स को लेकर, क्योंकि सीबीएसई के ऐसी बोर्ड है, सरप्राइज देना बहुत पसंद है सीबीएसई को, सरप्राइज के साथ खेलना, लोगों को सस्पेंस में रखना, अनएक्सपेक्टेशंस चीजों को करना, सीबीएसई बोर्ड इसमें नंबर वन पोजीशन पे आती है, कब क्या कर देगी किसी को पता नहीं चल पाता। तो वही चीज आपके साथ भी हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पे बताया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 24th की बात यहाँ पे कही गई है, हालांकि ये भी अनऑफिशियल है, रिपोर्टर्स ने अभी जैसे तैसे बात करके बताने की कोशिश की है एंड सब बता रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग मीडिया से, हमारे हाथ है सीबीएसई से हाथ है, तो कोई हाथ वात नहीं है, आप लोग इनोसेंट हैं, इसीलिए आपके माइंड के साथ थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सबको आता है। तो बेसिकली यही है कि यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि 24th को आपका टेंटेटिव डेट्स है, बट उससे भी अच्छी बात ये तो कंफर्म है कि उनके एरर्स मार्क्स वगैरह आपको दिए जाएंगे। दूसरी चीज, 24th यहाँ पे अनऑफिशियल डेट बताया गया है लेकिन सीबीएसई से बात करते हुए, बट सीबीएसई नहीं बताएगी, उनका ये एक गेम प्लान होता है, उन्हें मजा आता है, पिछले साल भी यही चीज किया गया, पिछले साल भी उन लोगों ने यही किया, रिजल्ट्स के इंतजार करते करते बच्चे थक गए थे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा भी, बच्चे एक्सपेक्टेशन छोड़ चुके थे, बट फाइनली रिजल्ट आया। और मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो आपको स्कोर जानना चाहिए, क्या सीबीएसई ने ऐसा किया, आपको बोनस दिया, एक्स्ट्रा मार्क्स दिया कि नहीं, आपको तो खुद अंदाज है ना कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने मार्क्स का एग्जाम दिया है, क्या सही है क्या गलत है, आपको खुद तो पता होगा। अब उससे ज्यादा अगर आपके नंबर आए तब हम मानेंगे कि हाँ सीबीएसई ने नंबर्स दिए हैं। तो दिल को खुश कर देने वाला वीडियो, मे बी अब 24th का डेट है, तब तक आ सकता है, मिलते हैं फिर अगली अपडेट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए प्लीज, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो सब बदल सकता है। थैंक यू सो मच।